अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप गेम उठा दो। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फिकार। तो भारत में इस वक्त आईसीसी वर्ल्ड कप के जो मुकाबले हो रहे हैं, आज श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान काफ़ी दिलचस्प मैच हुआ है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। इस वक्त बांग्लादेश को जीत के लिए 280 रन का हदफ दरकार है और आज के मैच में कुछ ड्रामाई सूरत हाल भी पेश आई, इस पे हम बात करेंगे। इरफान जहीर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इरफान कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। इरफान सबसे पहले तो डिसीजन के हवाले से ही आपसे बात कर लेते हैं कि जो टॉस जीत कर बैटिंग का डिसीजन था, उसके बाद जो सिचुएशन हुई, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल था शायद इनको खुद पहले बैटिंग करनी चाहिए थी और ये टोटल बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है और इंडिया की अभी तक जितनी भी पिचेज हैं सबसे हाई स्कोरिंग मैचेस इसी ग्राउंड पे हुए हैं और ओवरऑल कहा जाता है कि ये सेकंड बेस्ट बैटिंग के लिहाज से विकेट है। बट जिस तरह शकीब ने अपनी प्री मैच प्रेजेंटेशन में बोला कि ये शायद ड्यू फैक्टर, उन्होंने कहा कि ड्यू आती है रात को तो हम उसका एडवांटेज हासिल करना चाहते हैं में। जी, और उन्होंने कहा कि हम उसका एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, इसीलिए हम चेस की तरफ जा रहे हैं। और जब मेंडिस की बारी आई, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि अगर हम भी टॉस जीते तो डेफिनेटली हम भी ऑप्ट करते पहले बैटिंग करने को। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है बड़ा टोटल लगाना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं दोनों टीमों की अपनी लिमिटेशन का मालूम है और उनको पता है कि हमारे पास किस तरह की क्वालिटी बैटिंग है, तो वो स्टटर नहीं करना चाह रहे थे। जानते थे कि हमारी कैपेसिटी इंडिया की तरह, साउथ अफ्रीका की तरह या ऑस्ट्रेलिया की तरह 350 प्लस की नहीं है। हाँ, तो हम उसको इसी तरह करें कि हम जो भी रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंगली चलें। थोड़ी सी अगर बात करें श्रीलंका की बैटिंग के हवाले से, तो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बैंक करते हैं कुसाल परेरा पे और लास्ट 3-4 ईयर्स में देखें तो आपको शायद ही कोई 2-3 इनिंग्स इनकी याद होंगी जिनमें रन किए हैं। तो बड़ी पुअर रन ऑफ फॉर्म से गुजर रहे हैं, उनको कंटिन्यूसली चांसेस दिए जा रहे हैं और हमने देखा कि आज भी वो 4 या 5 करके आउट हो गए। नसंका की थोड़ा सा ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकी जानिब से इस वर्ल्ड कप में हाइएस्ट रन गेटर भी थे, उन्होंने आज 40 की अच्छी इनिंग्स खेली बट आउट हो गए। फिर इसी तरह बाकी प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी अच्छा नहीं खेला सवाए श्रीलंका के। श्रीलंका एक ऐसे इनके बैटर हैं कि जो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा रन ऑफ फॉर्म से गुजर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं और हमने देखा कि आज भी उन्होंने सेंचुरी 106 रन बनाए। कप्तान का मैं ज़रूर इधर जिक्र करना चाहूँगा मेंडिस का, कुसाल मेंडिस इनकी बैटिंग के अंदर सबसे वाइटल और इंपॉर्टेंट मेम्बर के तौर पर समझे जाते हैं। जब से कैप्टनसी नहीं मिली थी तो सबसे ज़्यादा रन भी कर रहे थे, एक ऐसा प्लेयर था जो इम्पैक्ट भी रखता था हर मैच में, उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी शानदार थी। बट जैसे ही उनको कैप्टनसी मिली हमने देखा कि वो एक किसी डिबैकल में चले गए और कंटिन्यूसली उस शेल से बाहर नहीं आ रहे और 20-25 की 30 की आज भी 30 रन की इनिंग खेली, कोई खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो ये नेवरदलेस ये देखा जाए तो एक एवरेज परफॉर्मेंस कहना चाहिए, ना बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर सकते क्योंकि ये विकेट ऐसी थी अगर आप इस पर 50 ओवर खेलते हैं तो आपका डेफिनेटली 300 तो बनता है। अच्छा, एवरेज परफॉर्मेंस पे ही श्रीलंका की इस पे काफ़ी सवालात भी उठे हैं और जो इनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने पूरा बोर्ड ही फारिग कर दिया है इस पे। तो अब ये सूरत हाल श्रीलंका के लिए क्या आगे आने वाले मैचेस में क्या मुश्किलात नहीं खड़ी करेगी? आज के जो न्यूज़ है वो यही है कि इनके स्पोर्ट्स बोर्ड के जो मिनिस्टर हैं वो भी, उनको भी रिजाइन करना पड़ गया और जो चेयरमैन है उसकी जगह भी राणा टुंगा की बात, राणा टुंगा को केयरटेकर के तौर पर उनको चेयरमैन लगा दिया गया। तो ये ओबियसली इनकी टर्बुलेंस भी कंट्री की देखेंगे तो समहाउ हमारी तरह ही है, हमारी तरह ये लास्ट ईयर साल डेढ़ पहले डिफॉल्टर भी हो गया था कंट्री, पॉलिटिकल इनकी भी टर्बुलेंस हमारे सामने है और अभी भी जो जिस सर्कमस्टांसिस से गुजर रहे हैं और क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट जो भी लिमिटेड इनके रिसोर्सेज थे इन्होंने 25 साल बड़ा राज किया क्रिकेट के ऊपर, अच्छी खासी इनकी परफॉर्मेंसेस आती रही हैं। ODI का वर्ल्ड कप जीता 96 में, T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, चैंपियन ट्रॉफी एक दफ़ा इन्होंने जीती हुई है, तो तमाम टाइटल इनके पास है। बट अब हम देख रहे हैं खासतौर पे जब बड़े नाम गए हैं जिसमें संगाकारा की बात करें, मुरलीधरन की बात करें, जयवर्धने की बात करें, तो मलिंगा की बात करें, जब 4-5 सुपरस्टार निकले हैं तो ये टीम एकदम बहुत डिप खा गई है, बहुत डिक्लाइन है। आल दो के एक एशिया कप इन्होंने फाइनल हमसे जीता था बट वो वन ऑड एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी राजा पस्का की और हसरंगा की, उसके साथ ये जीत गए। बट उसके अलावा आप देखें तो भारत के गए ये 50 पे भी आउट हो रहे हैं, 55 पे भी आउट हो रहे हैं, ये बड़ी और ये डिजास्टर है की इनकी कारकर्दगी देखी। हाँ, वो वन ऑफ ये अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं बट 80% ये बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इनका और बांग्लादेश का देखा जाए तो सम हाउ दोनों एक ही ट्रैक पे हैं,
बांग्लादेश तो खैर 25 साल से अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी क्रिकेट में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं की, बिल्कुल। बट एक सवाए इनके क्रेडिट पे चीज जाती है कि होम कंडीशन में अपनी मर्जी की पिचेस बना के हर टीम को फंसा लेते हैं। इंडिया ने भी यही किया है, इंडिया भी उन्होंने भी सबको फंसा दिया इस बार। इंडिया विन 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 कर रहे हैं और बाकी सब इंडिया से हार रहे हैं। अब ये डिबेट काफी बढ़नी शुरू हो गई आयशा के इंडिया क्या वाकई इतनी बड़ी टीम है, और या कुछ का मानना यह है कि सिर्फ ये अपनी होम कंडीशन के एडवांटेज की वजह से अनबीटेबल बन चुकी है, बिल्कुल। बट जो भी है दूसरी ओपोजिशन भी तो आके खेल रही है और वो अपनी कंडीशन को अच्छा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है वो कर रहे हैं। बट इसका इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेरे क्वेश्चन मार्क जरूर बनता है, 2011 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया जीता, 15 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता, 19 में इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड जीता, अब इधर हो रहा है और ये अनबीटेबल है, लेकिन पाकिस्तान में हम फिर भी नहीं जीते। चैंपियन ट्रॉफी होनी है 2025 में, तो ये चलें देखते हैं। एक जरूर ऐसी चीज ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि अगर जो होम साइड है, पहले क्रिकेट हिस्ट्री में होता था जो होम कंट्री होता था वो नहीं जीता था, हाँ, तो ये अब ये जो रवायत चेंज होती जा रही है, ट्रेडिशन ऐसी आती जा रही है, इससे कहीं ना कहीं क्रिकेट का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। पहले ही आपको मालूम हो रहा है कि जो होम कंडीशन जहाँ होम कंट्री है वो विनर होगा, बिल्कुल। तो लोगों का इंटरेस्ट, कल हमने नटीनी का भी एक हमने मैसेज सुना, उन्होंने ये कहा कि अब कोई टीम 50 पे इनके अगेंस्ट आउट हो रही है, कोई 85 पे हो रही है, कोई 100 पे हो रही है, ये ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या ये कर मुझे तो कई रिजर्वेशन है इरफान। ये हर एक कॉमन जो देखने वाला है ना क्रिकेट को, उसके जहन में आता है ये सवाल कि ऐसा क्या कर रही है इंडियन टीम कि वो खुद जीती जा रहे हैं और बाकी उनके अगेंस्ट जो इतनी पावरफुल टीम्स हैं वो संभाल रही हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग इसमें बात जो मैं इसको एज ए क्रिकेट फैन या एज एनालिस्ट देखता हूँ कि एक पिच पे किसी बॉलर की बॉल सीम स्विंग नहीं करती, इनकी करती है, और ये अगर तो यहाँ तो इन बॉलर्स ने पास्ट में ऐसे झंडे गाड़े हों, शामी की बात करें, सिराज की, या बुमराह तो मैं हम जरूर रेट करते हैं, एक टॉप टीयर का वो बॉलर है, टॉप क्लास बॉलर है, बट ये एक नॉर्मल मीडियोकर या एवरेज बॉलर कहना चाहिए, बट अब जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये पूरी दुनिया से बेस्ट जा रहे हैं, पूरी दुनिया से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये एक तीनों बॉलर, बाकी दुनिया के तमाम फास्ट बॉलर एक साइड पे हो गए हैं, ये तीनों जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं ये एक साइड पे बॉलिंग कर रहे हैं, इनके लिए कंडीशन चेंज हो रही है, इनके लिए लगता है बॉल ऐसे कोई, जैसे ये भी बात बड़ी में था रही कि बॉल शायद चेंज है, बट अगेन ऑन द लाइटर नोट ये बात थी, बट रियलिटी में देखा जाए तो परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है। अगर किसी बॉलर की शुरू में एक या दो इंच बॉल स्विंग स्विंग कर रहा है, इनका 4-5 इंच कर रहा है, और जिस तरह ये उसको पिच को खूबसूरत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो क्रेडिट तो ऑब्वियसली इनको देना पड़ेगा आपको। और बहरहाल इस पे इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगी, क्योंकि लोग साथ एक इन्वेस्टिगेशन तो वो जिस तरह कल कोहली के आउट के ऊपर भी बड़ी डिबेट हो रही है कि DRS सिस्टम पे बात हो रही है, स्निको पे बात हो रही है कि बॉल का कोई गैप नहीं है तो स्निको ने क्यों नहीं शो किया, तो ये कंट्रोवर्सी तो इस तरह की चलती जा रही है। अच्छा, एंजेलो मैथ्यूज जो टाइम आउट हुए हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग टाइम आउट वाली जो टर्म है उसको नहीं जानते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पहली दफा हिस्ट्री में इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली दफा किसी प्लेयर को टाइम आउट दिया गया है। इसकी अगर डिटेल आपको मैं शेयर करूँ तो उसमें यह है कि आप जब प्लेयर आता है तो नॉर्मली आपने देखा होगा आते साथ ही वो थोड़ा सा अपना स्टांस लेता और फिर वो अपनी इनिंग शुरू कर देता है। तो मैथ्यू जब आए तो मैथ्यू ने आके कहा जी कि हेलमेट पहना, पहले उन्होंने कुछ पता नहीं अपना पढ़ा जो पढ़ना था वो भी नजर आया ऐसे, फिर जब उन्होंने हेलमेट पहना तो उन्होंने कहा देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय हेलमेट, तो उन्होंने कहा जी चेंज करना है। अच्छा। अब वो दूसरा प्लेयर उनका सब्स्टिट्यूट हेलमेट लेके आया, तो अब वो ऑब्वियसली आपको स्लो ओवर रेट का आइडिया होगा, उसके अंदर उन्होंने बात कर रहे होंगे कि ये हमारे ना पलड़े में आ जाए कहीं स्लो ओवर रेट, तो उनके जो कैप्टन थे शेकबुल हसन, उन्होंने अंपायर से आउट की अपील की। अच्छा। अब लॉ तो ये था 99% मेरा ख्याल है लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होगी, मैं वही कह रही हूं लोगों को नहीं पता है इसका, क्योंकि हुआ पहली दफा ना हिस्ट्री में, कभी ऐसा हुआ नहीं, अगर शायद वो अपील ना करते तो अंपायर आउट ना देते, क्योंकि आउट के लिए ऐसे जब आउट होते हैं इसमें अपील करना लाजमी होता इसका, है। लेकिन इसका फिर मतलब ये है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स जो हैं वो इस बारे में जानते थे, वो जानते थे टाइम आउट की जो टर्म है या जो भी इसका तरीका एकार है वो इसको जानते थे, इसलिए उन्होंने अपील भी की। बिल्कुल, इसीलिए अपील की, और इसकी लॉजिक जो है अगर आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे, लॉजिक ये है कि एक डग आउट से बैट्समैन आ रहा है, उसको उसका पैड ठीक नहीं है, हेलमेट ठीक नहीं है, बल्ला ठीक नहीं है, ये तो उसको पहले अपनी चीजें चेक करके आनी है ना, वो ऐसे तो नहीं है, तो आके पिच पे आके वो चेक कर रहा है कि जो उसका हेलमेट का बकल टूटा हुआ है, जिस तरह मैथ्यू ने हमें कुछ नजर भी आया जेस्चर से कि वो बाहर भी जाते हुए कोचेस से, बांग्लादेश के कोचेस से बात कर रहे थे, उधर भी अंपायर से बात कर रहे थे कि मैंने हेलमेट पहनने की कोशिश की, इसका बकल टूटा हुआ है, उनका ये था कि आप ये सारी चीजें पहले चेक करके आए और एक सर्टेन टाइम फ्रेम दिया गया है, क्योंकि जाहिर है जब एक प्लेयर खेल रहा होता है दूसरा उसके 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 वापसी के तौर पर तैयार होता है कि अगर ये आउट हुआ तो फिर इसने जाना है, तो वो तैयारी तो आप पहले से करके रखते हैं। उसने आपने देखा होगा 99% आपकी नजर
जब डगआउट पर दिखाते हैं तो एक प्लेयर सारे इक्विपमेंट के साथ बिल्कुल रेडी बैठा होता है, बैठा होता और वो जब देख जा रहा होता है तो उसी मीन वायर उसको क्रॉस करके अंदर होता ऐसे है, ही है। तो वो ये एक क्रिकेट में कुछ इम्प्लाइड चीजें भी होती हैं, ऑब्वियसली रिटर्न तो है ही है लॉ, बाकी चीजें कुछ इम्प्लाइड भी हैं कि आप अगर जा रहे हैं तो दूसरे ने आना है, ऐसा नहीं है कि एक जला गया दूसरा आ ही नहीं रहा। तो इसीलिए टाइम फ्रेम हर चीज का डिफाइन किया गया, अगर डिफाइन ना किया जाता, इसको रिटर्न लॉ में ना लेके आए जाते आप, तो आपका कई दफा इसको एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता था। आज एक प्रेसिडेंट भी बन गया है आने वाले तमाम दुनिया के प्लेयर्स के लिए कि अगर हमने जाना है तो सर्टेन टाइम के अंदर हमने अपनी इनिंग्स को शुरू करना है, हम ये नहीं कर सकते मेरी ये चीज़ ठीक नहीं है, मुझे ये मसला है, मुझे ये ऐसे नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन आप ज़रूर कर सकते हैं कि अपील क्यों की गई, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप बॉलिंग एंड के ऊपर बॉलर बॉल करने जा रहा है, बैट्समैन अगर रन लेने जाता है तो 99% एथिक ऑफ गेम के अकॉर्डिंगली वो रन आउट नहीं करते, वो वार्निंग देके छोड़ देते हैं कि आप अपनी लाइन से आगे ना जाएं। बट अगर हमने अभी रिसेंटली साल दो साल में देखा तो काफी इस तरह के इंसिडेंट हुए कि बॉलर्स ने रन बॉल करने से पहले ही बॉल विकेट्स को लगा के रन आउट कर दिया, क्योंकि लॉ जो है वो लिखा हुआ है, दैट इज रिटन, वो तो आप कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे, बट वो स्पिरिट ऑफ गेम के लिहाज से जरूर हम लोग बात करते हैं कि ये स्पिरिट ऑफ गेम के खिलाफ है, आपको ऐसे आउट नहीं करना चाहिए। अभी भी जो डिबेट हो रही है वो ये नहीं हो रही कि दैट वाज राइट और रॉन्ग, बात ये अभी हो रही है कि ये अपील नहीं करनी चाहिए थी, सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए था, टाइम दे दिया जाना चाहिए था, हेलमेट आ चुका था, मतलब तो अब ये सारा जो मलबा है वो जो बांग्लादेशी प्लेयर हैं, कैप्टन हैं, उस पे डाला जा रहा है कि जी इन्होंने अपील की और इनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए थी। अच्छा, एक मिनट से क्या हो जाना था, अब इस तरह की डिस्कशन सारी हो रही है। बट मेरा मानना यह है जब तक आप कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं कर रहे, आप लॉ के अंदर रह के अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, तो दैट इज़ राइट, आपको जो इसका मतलब है कि यू आर विजिलेंट इनफ, आपको कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज, आप ये नहीं कह सकते मुझे लॉ का नहीं पता था और मैं आप रेड सिग्नल को ब्रेक कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, और आप बाद में जब पकड़े गए हैं चलान हो रहा है तो आप कह रहे हैं जी मुझे तो मालूम ही नहीं था रेड सिग्नल के ऊपर गाड़ी रुकती है और इस पर चलान होगा इसको वायलेट करने से। देखें, उसको लॉ को समझना, उसका नॉलेज होना आपके पास है। जैसे मैंने कहा कि 99% लोगों को इस लॉ का नहीं पता था क्योंकि इट नेवर हैपेंड बिफोर, फर्स्ट टाइम हुआ, लोगों को अवेयरनेस आएगी, अब लोग सोचेंगे, अब डगआउट के अंदर कॉन्शियस होंगे, जाना है टाइम के अंदर, इनिंग को शुरू करना है, बिल्ड करना, तो ऑब्वियसली आप लर्निंग कर्व तो सबके लिए होती रहती है, जाहिर सी बात है। अच्छा इरफान, वर्ल्ड कप की जो सबसे देखा जाए तो कमज़ोर टीमों में अब ये दोनों टीमें आ रही हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका, और मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप से ये आउट भी, सेमीफाइनल की दौर से आउट भी हो चुके हैं। बांग्लादेश के लिए ये मैच जीतना कितना ज़रूरी है, हालांकि आउट हो चुके हैं वो। देखिए, इसमें आज के मैच में जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट लेवल था वो यही था कि दोनों टीमों की जो आज हंट है या फाइट है वो टॉप एट में आना है, टॉप एट में आएंगे तो ये डायरेक्ट वर्ल्ड अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे और चैंपियन ट्रॉफी का भी पार्ट है 2025 में जो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है उसकी क्वालिफिकेशन की भी बात है। तो आज के मैच की सारी जो दौड़ लगेगी, जो जोर लगाया जा रहा है वो यही है कि हम किसी तरह आज का मैच जीतें, क्योंकि हमने पता है 4 पॉइंट के साथ श्रीलंका है और 9वीं पोजीशन पर 2 पॉइंट के साथ वो है, तो 7वें और 9वें नंबर पर है, डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं है, बट आज की जो विक्ट्री है वो थोड़ा ऑल्टर कर सकती है सिनेरियो को। तो और ये भी जानते हैं श्रीलंका वाले कि अगर इनका लास्ट मैच जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है, मुश्किल है मैच, तो आज का हारते हैं तो इनका रन रेट पे भी इम्पैक्ट आएगा, इनका पॉइंट्स भी इधर स्टैग्नेंट हो सकते हैं, लास्ट मैच पता नहीं होता है नहीं होता क्योंकि बारिश की भी फोरकास्ट है उस दिन। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए दोनों टीमों की आज पूरी कोशिश है, क्योंकि फिर चैंपियन ट्रॉफी से आप आउट होंगे, फिर आपने वो वर्ल्ड कप से पहले क्वालिफाइंग राउंड खेलना होता है, वो खेलेंगे, वो भी आसान नहीं होता, उसमें वेस्ट इंडीज़ है, जिम्बाब्वे बैठी हैं, कोई पता नहीं, बाकी टीमें 4 साल प्रिपरेशन करके उसमें आए और वर्ल्ड कप जब नहीं खेल पाते आप, तो ओबियसली आपकी नेशन, आपका जैसे वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो कितनी बड़ी एक टीम थी, बिल्कुल आज अच्छा, वर्ल्ड कप नहीं खेल रही। जिक्र कर रहे हैं, मेरे जहन में सवाल भी वेस्ट इंडीज़ के हवाले से काफ़ी देर से था, लेकिन मैंने कहा पहले ये डिस्कशन हम कर लें फिर मैं उस पर भी आऊँगी। वेस्ट इंडीज़ का हमने अरूज और जवाल देखा है, अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका की टीम जैसे अभी आप खुद कह रहे थे कि वर्ल्ड कप भी जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, बड़े बड़े टाइटल इनके नाम है, ऐसा लग रहा है कि अब श्रीलंका की टीम भी ना कहीं वेस्ट इंडीज़ के नक्शे कदम पर है, अब वेस्ट इंडीज़ का वो अरूज रहा ही नहीं है, श्रीलंकन टीम का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये उसी ट्रैक पर चलते चले जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ का डिबैकल हमने देखा कि लड़के लीग क्रिकेट में चले गए, कंट्री के पास पैसे नहीं थे, वो डिफरेंट आइलैंड है, डिफरेंट आइलैंड की टीमें मिलके एक टीम बनती हैं, जो उनके सीनियर प्लेयर थे वो उनको लीग में ज़्यादा पैसा मिलना शुरू हुआ, बोर्ड के और उनके मसाइल आने शुरू हुए, इवेंट के टाइम जेलिन होना, गैदर होना, वो तो वर्कआउट नहीं करता हर दफ़ा, और काफ़ी
अभी उनका डिबैकल एकदम से नहीं हुआ, वो पिछले 10-15 साल से कंटिन्यू थी सारे प्रॉब्लम की, वो अभी एकदम जाके वो एक्सपोज हो गए। इसी तरह जिम्बाब्वे भी ओबियसली कभी टॉप टीयर में तो नहीं आई, बट एक अच्छी रीजनेबल साइड होती थी हमेशा, हर वर्ल्ड कप का पार्ट होती है वो। वो देखा कि उनको बाहर होना पड़ गया, और इस दफ़ा तो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि क्वालिफाइंग राउंड भी उनके अपने कंट्री में जिम्बाब्वे में हो रहा था, बट वो भी नहीं कर पाए। तो ये भी उनके लिए बड़ा मसले की बात थी कि वो भी बाहर हो चुके हैं। तो ये अब जो श्रीलंका की बात करें तो ये ज़्यादा डिप इनके, जैसे मैंने कहा कि इनके लेजेंड्स जाने के बाद हुए, जब सुपरस्टार इनके निकले, जो नए लड़के आए नीचे से, उस तरह का शायद पोटेंशियल नहीं आ रहा यंगस्टर का, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इनका, तो जो नई लॉट आ रही है वो भी सम हाउ एक लिमिटेड प्लेयर प्रोड्यूस कर रही है। अब देखें ना, नाम आम हमें तो चले स्पोर्ट्स का एक शो करते हैं, इसके साथ एफिलेशन आप सब जानते हैं, आम बच्चों को तो इनके नाम भी नहीं आते। बिल्कुल तो सही। वो प्लेयर के लिए या इनके कंट्री के लिए भी आपको विक्ट्री फिर चाहिए, विक्ट्री भी बहुत जरूरी होती है, और अभी पाकिस्तान के लिए भी विक्ट्री बहुत जरूरी है। हालांकि पाकिस्तान का 11 नवंबर का मैच है, तो लेकिन ये विक्ट्री पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। इरफान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दे, रात 11 बजे क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।